गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है थर्सडे को, द इंडियन इकोनॉमी इज फास्ट ग्रोइंग विद 7% ग्रोथ. श्रीमती निर्मला सीतारमन इज डिक्लेयर्ड दैट द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एज फास्ट एज यूनाइटेड स्टेट्स इन चाइना. के भाजपा का ये रवैया कि डूबती अर्थव्यवस्था को अनदेखा कर देना देशद्रोह है. यूपीए सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था का इलाज एक अच्छे डॉक्टर की तरह किया और भाजपा इस अर्थव्यवस्था को एक सर्कस का खेल समझ के उलट फेर कर रही है. 74% बैंकों के फ्रॉड बढ़ गए. फ्रॉड, और अगर पिछले 5 साल का फ्रॉड देखें तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट आता है जो रिजर्व बैंक ने अपने सरप्लस से ट्रांसफर किया गवर्नमेंट को, 1,74,753 करोड़. जब आपके पास एक भी टैक्स का टारगेट पूरा ना हो, डायरेक्ट टैक्स का टारगेट पूरा ना हो, जीएसटी के टारगेट पूरे ना हो, और कोई जो कर जो रेवेन्यूज हैं सरकार की वो पूरी ना हो, और आपने बजट में उनका प्लान किया हुआ हो, तो आपको इधर बैकडोर एंट्री से ही पैसे निकालने पड़ेंगे. आपको 1,74,753 करोड़ रुपया फ्रॉड का 5 साल में हुआ है. 71,500 करोड़ रुपया सिर्फ 2018-19 का फ्रॉड का आंकड़ा है. और एज यूजुअल पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रीब्यूशन 71,500 करोड़ में 64,509 करोड़ रुपया है. ये फ्रॉड हो रहा है, इसमें किसका पैसा जा रहा है? आम भारतीय का पैसा जा रहा है, जो जीएसटी के माध्यम से कर देता है, जो इनकम टैक्स के माध्यम से कर देता है. आपने 1,76,000 करोड़ में से 52,637 करोड़ कंटिंजेंसी रिस्क बफर लिया है सेंट्रल बैंक का. 2008-09 में वैश्विक भयंकर मंदी आई, बड़े बड़े बैंक अमेरिका के लिक्विडेट हुए, वाइंडिंग अप प्रोसेस में गए. भारत पे इसका फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि भारत का रिजर्व बैंक था, उसके पास इस तरह की कंटिंजेंसीज को एब्जॉर्ब करने का पैसा था. तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से 3 स्पष्ट मांगे हैं. पहली, इस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी संविधान के अनुसार घोषित कर देनी चाहिए. एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ते बैंक फ्रॉडों पे. और आखिरी, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सीआईसी के आदेश के अनुसार, उन सब भगौड़ों का, विलफुल डिफॉल्टर्स का, एनपीएस का नाम की घोषणा करे. क्यों झिझक है?